Right, so in the last lecture we did the bone diseases. Now we are going to do the joint diseases, and उसके बाद हम ट्यूमर्स करेंगे, बोन ट्यूमर्स अगले लेक्चर में, और इस तरह से हमारा खत्म हो जाएगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. सो एज यू नो कि साइनोवियल ज्वाइंट का जो स्ट्रक्चर है, आपने अपनी फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना शुरू किया हुआ है. सो दिस इज द बोन एंड देन देयर इज दिस पेरियोस्टियल लेयर. उसके बाद जब ये दो बोन्स जॉइंट के लेवल पे एक दूसरे के सामने आती हैं, तो इनको हाइलिन कार्टिलेज कवर कर रही होती है. और फिर जॉइंट एक कैप्सूल के अंदर, देयर इज दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड द साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट कैविटी के अंदर होता है, और इसके इर्द गिर्द बाहर जो है वो लिगामेंट होता है जो जॉइंट की बोन्स को इकट्ठा रख रहा होता है. सो जॉइंट डिजीज में जो सबसे ज़्यादा नाम आपने सुना होगा अभी तक, देयर इज आर्थराइटिस ऑब्वियसली. और आर्थराइटिस की दो बड़ी टाइप्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये एज के साथ साथ जो नॉर्मल डिजेनरेशन, एज के साथ साथ जो नॉर्मल डिजेनरेशन होती है उसके अंदर होना शुरू हो जाता है. जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है जो बच्चों में होता है. और इसके अलावा और तरह के आर्थराइटिस होते हैं जिसमें नॉन इन्फेक्शियस आर्थराइटिस आ जाते हैं, या स्पॉन्डिलो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी जिसे कहते हैं, उसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस आ जाता है. ये सारे की सारी आर्थराइटिस की टाइप्स हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं. फिर इन्फेक्शियस हैं जिसमें बैक्टीरिया की वजह से, टीबी, लाइम डिजीज, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आर्थराइटिस होते हैं. और इसके अलावा गाउट और सूडो गाउट है जिसके अंदर मुख्तलिफ क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे. फिर देर आर सम ट्यूमर जिनको हम हल्का सा टच करेंगे, गैंग्लियन ट्यूमर जिसे साइनोवियल सिस्ट कहते हैं, ये नॉन न्योप्लास्टिक होता है, मेलेग्नेंट नहीं होता. फिर जॉइंट सेल ट्यूमर, इसको पीवीएनएस भी कहते हैं, पिगमेंटेड विलोनोडुलर साइनोवाइटिस, ये बिनाइन भी होता है. साइनोवियल सार्कोमा जो है वो मेलेग्नेंट होता है. सो ये मुख्तलिफ साइनोवियल रीजन के ट्यूमर्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे. हम ट्यूमर्स की डिटेल नहीं करेंगे, बोन ट्यूमर्स की हम डिटेल थोड़ी सी करेंगे, लेकिन ज्वाइंट के ट्यूमर्स का हम सिर्फ नाम और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन जॉइंट डिजीज है और एल्डरली पीपल में सबसे ज़्यादा होता है. और ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आप कॉज देखें इसका, तो प्राइमरी कॉज में देर इज नो नोन रीज़न, सेकेंडरी में कोई और रीज़न हो सकती है. जेनेटिक्स ऑब्वियसली मैटर करती हैं, कॉलेजन टाइप 2 जीन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इसका रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसका जो इलनेस का है, वो इंक्रीज बीएमआई, बहुत मोटे लोग, ओबीज लोगों में ये बड़ी जल्दी हो जाता है. और हाइपर पैराथायरायडिज्म, और बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं जिसमें उनको पूरा जिस्म का वेट, उनके जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं वो बेयर कर रहे होते हैं, तो स्लोली स्लोली वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा साइन सिम्टम्स में क्या आता है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं. एक हाथों में नोड्स बनना शुरू हो जाती हैं, और जो जो से जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं. और पेन होती है, बर्निंग पेन, चलने से ज़्यादा मुंह ज़्यादा पेन होती है. और मतलब अगर बैठे रहें और उसके बाद चलें तो बहुत ही ज़्यादा होती है. और स्वेलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, बोनी स्वेलिंग्स, फ्लूइड की स्वेलिंग, साइनोवियल फ्लूइड की स्वेलिंग्स भी होती हैं. तो हेबरडेंस और बुचार्ड्स नोड्स आती हैं. जो हेबरडेंस नोड्स होती हैं वो हाथ पे डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे बनती है, और बुचार्ड नोड्स जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे बनती है. फिर जॉइंट स्टिफनेस होती है, हर आर्थराइटिस में तकरीबन जॉइंट स्टिफनेस होती है, और जॉइंट लाइन टेंडरनेस होती है, वहाँ पे पेन होगी हाथ लगाओगे तो, रेंज ऑफ मूवमेंट जॉइंट की कम हो जाती है, और लेग्स जो है वो बोर्ड लेग्स बन जाती हैं, मसल वेस्ट होना शुरू हो जाता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती हैं. फिर इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कार्टिलेज जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन शुरू होती है. फिर बोन एक्सपोज हो जाती है, जब बोन एक्सपोज हो जाती है तो फिर बोन के अंदर बोन फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो वहाँ से बोन हार्ड होना शुरू हो जाती है जिसे स्क्लेरोसिस कहते हैं. फिर बाहर भी बोन बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि अपनी तरफ से वो उसको, उस एक्सपोज एरिया को जो उसकी ऊपर कवरिंग आ रही थी, जो उसको रोक रही थी उसकी एक्सेसिव फॉर्मेशन को, वो उसको कम कर रही होती थी, वो ख़त्म हो जाती है. तो वो कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाती है तो फिर बोन फॉर्मेशन एक्सेसिव शुरू हो जाती है. जो बाहर बनती है बोन से, बोन फॉर्मेशन, उसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं. फाइट का मतलब होता है कोई ग्रोथ हल्की सी,
ऑस्टियोफाइट का मतलब बोन की हल्की हल्की ग्रोथ, तो वो इरेगुलर सी छोटी छोटी से ऐसे जैसे बोन से कांटे निकल रहे हैं इस तरह से हो जाता है। फिर जो नई बोन बनी होती है उसके अंदर फ्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो सही तरह से तो बन नहीं रही होती, ठीक है। और वहाँ पे वो जहाँ पे फ्रैक्चर बनते हैं वहाँ पे खाली जगह पे सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन। जब वो डैमेज होना शुरू होती है तो वो अपने आप थिक कर लेती है टू सेव फ्रॉम फर्दर इंजरी। जब वो थिक करती है तो उसके साथ जो फ्लूइड है जो उसने प्रोड्यूस करना होता है वो फ्लूइड भी उसका ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में या लैब में क्या आपको नज़र आता है? ब्लड अगर इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो उसके अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि आप इन्फ्लेमेशन रूल आउट करो, रिमेटाइड आर्थराइटिस रूल आउट करो, और सेप्टिक आर्थराइटिस, या सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस रूल आउट करो। मतलब अगर इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरिया आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी तो ESR CRP रेज आएंगे, रिमेटाइड आर्थराइटिस होगा तो RA फैक्टर वगैरह आएगा, जो अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हर बीमारी के अंदर होती हैं मुख्तलिफ चीज़ें। तो जब वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। कुछ आपको ऐसी बीमारियां नजर आएंगी जिसमें आप वर्ड पढ़ोगे डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का वर्ड का मतलब होता है कि ये डायग्नोसिस जो है बाकी सारे डायग्नोसिस को ख़त्म हो जाए, बाकी सारी बीमारियां या बाकी सारी कॉजेज अगर हम ख़त्म कर दें तो फिर उसके बाद ये जो है क्या उसे कहते हैं, फिर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं इस बीमारी को। अच्छा, एक्सरे में आपको चार मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जॉइंट स्पेस कम होता नज़र आएगा क्योंकि बोन और बनती जा रही है, स्पेस जॉइंट का कम होता जा रहा है। स्क्लेरोसिस होगा, बोन ज़्यादा डेंस नज़र आएगी, सब कॉन्ड्रल सिस्ट बन रही होंगी और ऑस्टियोफाइट्स बन रही होंगी, यही सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आर्थरोस्कोपी यानी जॉइंट का अगर आप स्कोप उसके अंदर डाल के देखने की कोशिश करें तो उससे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब नया नया बन रहा होगा, शुरू हो रहा होगा, तो आपको कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रक्ट होती महसूस हो जाएगी या पता चल जाएगी। ट्रीटमेंट इसकी कोई खास नहीं होती, क्योर नहीं होती। ट्रीटमेंट की मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक होती है जो खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो और एक होती है जो क्योर कर दे। क्योर का मतलब है बिल्कुल ठीक हो गया, बीमारी गायब हो गई, गायब नहीं होती है, रहती है। और इसमें पहले तो आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करनी है, कंजर्वेटिव जिसे मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें दवाइयाँ शवाइयाँ कम से कम या बहुत सिंपल दवाइयाँ यूज़ करें। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रिस्क फैक्टर है BMI जब इंक्रीज है तो उसको कम करो, वेट लॉस करवाओ, एनल्जेसिक्स पेन किलर्स दो, एनसेड्स दो। एनसेड्स में आपने COX-1 इनहिबिटर्स नहीं देने क्योंकि वो फिर आपको पता है अल्सर्स कराते हैं और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है स्टमक से, तो उसके बारे में केयरफुल रहें। और फिर फिजियोथेरेपी से इसको करने की कोशिश करें मैनेज। स्टीरॉयड इंजेक्शन की कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, ग्लूकोजामीन यूज़ किए जा सकते हैं मुख्तलिफ, वो कार्टिलेज में हेल्प करते हैं कार्टिलेज को बचाने में। फिर जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, फिर कई दफ़ा नी रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ जाती है, और जो स्मॉल बोन्स जब फ्यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसको काटना भी पड़ता है और रीलाइन भी करनी पड़ती हैं दोनों नी जॉइंट्स खास तौर से। सबसे ज़्यादा जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं नी रिप्लेसमेंट्स अगर आप सुनो ओल्ड एज में, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती हैं, ठीक है। सो पहले आप मतलब स्लोली स्लोली कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट होती है, ये स्लाइड में ये बताई हुई है बात। अगेन उसके अलावा जो उसके ऊपर लिगामेंट्स हैं कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन के बाद वो लिगामेंट्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये बोन एक्स्ट्रा बन रही है तो वो एक स्पर्स, इनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, बोनी स्पर्स, यानी कि जहाँ जहाँ बोन को आगे बढ़ने की जगह मिल रही है वहाँ बढ़ना शुरू हो गई है। सो नॉर्मल ये है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैप्सूल थिक हो जाता है, इवन साइनोवियल मेम्ब्रेन भी थिक हो जाती है, ऑस्टियोफाइट बनना शुरू हो गए हैं, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, वही साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो रही है, बोन की जो शेप थी वो चेंज हो गई है बिकॉज इरेगुलर फॉर्मेशन हो गई है बोन की, फिर सिस्ट बनना शुरू हो गई है। और सब कॉन्ड्रल का मतलब होता है बीनीथ द कार्टिलेज, कॉन्ड्रा का मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे जो एरिया है वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, स्क्लेरोटिक हो जाता है और वहाँ पर सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी कार्टिलेज जो है वो कट के अलग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे, सॉरी बुचार्ड्स नोड है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे हेबरडेंस नोड है, ये बनना शुरू हो जाती है। फिर ये आपको बता दी है, अब एक्सरे पे चार जो साइंस हैं वो याद रखिएगा, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, यहाँ पे नॉर्मल जॉइंट था यहाँ पे स्पेस कम हो गया,
ठीक है, और इसके बाद ऑस्टियोफाइट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, जॉइंट स्पेस रिड्यूस लग रहा है, स्क्लेरोसिस यानी यहाँ पे बोन नॉर्मली यहाँ पे कम होती जा रही थी, डेंस यहाँ पे ज़्यादा डेंस हो गई है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा वाइट नज़र आएगा एक्सरे में, तो सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, फिर सब कॉन्ड्रल सिस्ट्स यहाँ पे फुल नज़र नहीं आ रही, और इसके अलावा ऑस्टियोफाइट जो बोन एकदम से जहाँ पे ग्रोथ हुई हुई है ये साइड पे निकली हुई है हल्की सी, तो इसको आप एक निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं, विच इज लॉस यानी कि लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ऑस्टियोफाइट, सबकॉन्ड्रल सिस्टम, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, ठीक है, काट के देखेंगे तो ऐसे आपको नजर आएगा, बट काट के क्यों देखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉमन इलनेस पे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ख्वातीन में ज़्यादा होता है, 1:2 मेल फीमेल रेशियो है, इसका जेनेटिक कंपोनेंट बड़ा ज़रूरी है इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को किक ऑफ करने के लिए, यंग एडल्ट्स में शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, स्मोकर्स में होता है, और इन्फेक्शन अगर हो तो उसकी वजह से भी होता है, और गर्मियों में सिम्टम्स ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, कई दफ़ा सर्दियों में भी हो जाते हैं बिकॉज की स्टिफनेस ज़्यादा हो रही होती है सर्दियों में। अच्छा, इसमें होता क्या है, साइन सिम्टम्स में दोनों साइड्स पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेशन हो रही है, और स्मॉल जॉइंट्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं हैंड्स और फीट के, लेकिन नीज और हिप्स और एल्बोज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में एक फ़र्क साइंस एंड सिम्टम्स के लिहाज से जॉइंट्स के टाइप का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन ऑस्टियो आर्थराइटिस, और छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। पेन एंड स्टिफनेस ज़्यादा होती है मॉर्निंग में, जब उठते हैं उठने के बाद 20 मिनट तक काफ़ी स्टिफनेस होगी। फिर इसके अलावा आपको जब चूंकि छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाथ के जॉइंट्स, तो उसमें आपको थंब इन खास डिफॉर्मिटी होती है, जी शेप थंब बन जाता है, बुटनेयर्स डिफॉर्मिटी होती है, स्वान स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, इसमें लिगामेंट्स का मसला होता है, बुटनेयर्स डिफॉर्मिटी में सॉरी बुटनेयर्स डिफॉर्मिटी में लिगामेंट्स का मसला होता है, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी में जो वो होता है डिस्टल इंटरफ्लेंजल और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स, वो स्वान की नेक की तरह हो जाते हैं, मतलब जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड होता है, जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट है वो फ्लेक्स हुआ होता है, तो ऐसे जैसे एक स्वान है और उसकी नेक है उस तरह का ये जो है बन जाता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, अलनर डिविएशन, हाथ की जो मेटाकार्पल्स हैं खास तौर पे वो अलनर साइड की तरफ मुड़ जाती हैं, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, मेटाकार्पोफेलेजल जॉइंट सबलग्जेट कर जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, कभी कभार कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है, कभी कभार एटलांटो एक्सियल सबलग्जेशन भी हो सकती है, यानी कि आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा भी आपस में हिल सकते हैं, हाथ का फंक्शन ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, बटन नहीं कर सकते ना, बटन आप बंद नहीं कर सकते, नाइफ और फॉर्क इस्तेमाल करना बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हैंड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और हैंड पे नोड्यूल्स बनती हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं जो जॉइंट्स के अलावा होते हैं, आपको साथ साथ और बीमारियाँ होती हैं, एसोसिएशन होती हैं, जैसे वेस्कुलाइटिस है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ होता है, आपको जब वेस्कुलाइटिस करवाया था तो उसके अंदर बताया भी था जॉइंट सेल वेस्कुलाइटिस जैसे था, रेनॉल्ड्स फिनोमिनन भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एसोसिएशन है, शिडोग्रेन सिंड्रोम एक बीमारी है ऑटो इम्यून, वो उसका भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएशन है। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या होता है बेटा, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जॉइंट टिश्यूज़ के खिलाफ, अपने आप को बॉडी मारना शुरू कर देती है, 70% IgM एंटीबॉडीज होती हैं और 30% IgG होती हैं, और डिफॉर्मिटी इज़ द की क्लिनिकल साइन, यानी कि हाथ जो है वो ख़राब हो रहा होगा, मैं अभी आपको आगे पिक्चर्स में दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन में ब्लड में रिमेटॉइड फैक्टर मिलता है लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है, लेकिन क्योंकि रिमेटॉइड फैक्टर बाकी लोगों में भी होता है, तो अगर आप जाते हो खाली लैब टेस्ट करते हो आपको रिमेटॉइड फैक्टर मिलता है, रोना नहीं शुरू कर देना कि भाई मुझे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसके लिए ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स भी चाहिए होते हैं, तो जब भी किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है खाली एक इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस नहीं होता, डॉक्टर क्लिनिकल साइन सिम्टम्स भी देखता है, उसका सारा कुछ पढ़ उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं फिर जाके बताते हैं। सो रिमेटॉइड फैक्टर हर एक के अंदर होता है, और बगैर कई दफ़ा रिमेटॉइड फैक्टर के बगैर भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, बट अगर रिमेटॉइड फैक्टर मिल जाए और साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ हुआ हो और साइन सिम्टम्स से सारी चीज़ें पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बुरा हो सकता है, और
उसकी जो हाथ खराब होगा वो ज्यादा बुरा खराब होगा और मतलब डिजीज सही तरह से कंट्रोल में नहीं आएगा। और फिर जो एंटीबॉडीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो एंटी CCP एंटीबॉडीज है, ठीक है, और ये जब हों तो उसमें भी चांस होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। फिर ESR एलिवेटेड होता है, CRP एलिवेटेड होता है, ESR और CRP ये दोनों जो है ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ये बहुत बीमारी में भी एलिवेटेड होते हैं। लेकिन जब भी किसी चीज़ का डायग्नोसिस करना होता है खाली एक लैब रिजल्ट्स नहीं देखने होते हैं, उसके साथ बाकी सारे साइन सिम्टम्स भी देखने होते हैं। अब पाकिस्तान में जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ बड़ी मशहूर है, हर बंदा अपना यूरिक एसिड करा रहा होता है और आगे जी बता रहे थे मैंने यूरिक एसिड कराया जी मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। भाई तो मैं क्या करूँ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था तो क्या करूँ, क्या क्लिनिकल साइन सिम्टम है साथ आपके, आपको और क्या बीमारी नज़र आ रही है, गाउट, खाली यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि गाउट हो गया है, ठीक है, आपको साथ साइन सिम्टम्स भी नज़र आने चाहिए, तो बीमारी फिर पूरी सारी चीज़ें मिलकर बीमारी बनती है। सो इसलिए इन्वेस्टिगेशन हेल्प करती हैं, सारी डायग्नोस्टिक नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लैब टेस्ट होते हैं जो डायग्नोस्टिक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोविड का PCR करवाया तो वो कोविड के लिए डायग्नोस्टिक है, मतलब आप बाकी सारी चीज़ें देखोगे लेकिन अगर खाली PCR आ गया तो वो डायग्नोस्टिक है। लेकिन अगर कोविड में भी ESR CRP कोई भी, जब बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर ESR CRP लेवल रेज हो जाता है। आप खाली ESR CRP लेवल रेज करा के आ गए हो और कह रहे हो मुझे शायद कोविड है, तो मैं नहीं कह सकता कोविड है अनलेस अंटिल मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ना करवाऊँ और आपके बाकी साइन सिम्टम्स ना देखूँ। यू नो यू गेटिंग द आइडिया? या सो जस्ट वांटेड टू ड्राइव दिस पॉइंट होम कि भाई खाली लैब रिजल्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, खासतौर पर नॉन स्पेसिफिक या नॉन डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स नहीं, बाकी बीमारियों में भी होते हैं वो। सो आपको बाकी सारी साथ क्लिनिकल यानी कि साइन सिम्टम्स आपको जो क्लिनिक में नज़र आ रहे हैं वो साथ देखने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एनीमिया भी हो जाता है। एक्सरे में आपको नोड्यूल्स नज़र आएंगी, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग नज़र आएगी, बोन खाई हुई नज़र आएगी, इरोजन्स नज़र आएंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, डिफॉर्मिटी कम करनी होती है। स्टीरॉयड्स जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि बड़ा डेंजरसली अटैक करता है स्टीरॉयड्स। लेकिन स्टीरॉयड्स का फ़ायदा होता है जहाँ पे वहाँ पे नुकसान भी होता है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बड़े ज़्यादा होते हैं, तो लॉन्ग टर्म नहीं देने होते हैं, ध्यान से देने होते हैं। फिर डिमार्ड्स यानी कि जो आपने आयरन अभी पढ़ी हैं डिमार्ड्स के, नहीं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स वो मेनली दी जाती हैं। लेकिन उससे फिर क्या होता है कि माइलो सप्रेशन होती है यानी कि बोन मैरो जो है वो सप्रेस हो जाती है। जब बोन मैरो सप्रेस होती है तो ऑब्वियसली ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन इम्पैक्ट करती है, फिर एनीमिया वगैरह होता है, साथ में रैश होता है। फिर इसके अलावा और बीमारियाँ, सल्फासिलाज़ीन से फिर लिवर पे इम्पैक्ट होता है और फर्टिलाइजेशन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। मेथोट्रेक्सेट वो GI पे इम्पैक्ट करती है, साथ आप उसके फॉलिक एसिड दें तो ठीक हो जाता है लेकिन उसकी वजह से माउथ अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं और फिर लिवर पे भी इफेक्ट होता है, ठीक है। और फिर और भी बीमारियाँ होती हैं, और भी दवाइयाँ होती हैं जिसके साथ और साइड इफ़ेक्ट्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। कुछ क्लोरोक्वीन वगैरह के साथ आपकी नज़र पे इम्पैक्ट होना शुरू होता है, रेटिना इम्पैक्ट डैमेज होना शुरू होती है, कानों में मसले होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेक्सीमैब, फिर इवेंचुअली जो मोनोन्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसमें इन्फ्लेक्सीमैब और भी मैब्स आती हैं, वो एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एजेंट्स होती हैं, वो जो है वो कई दफ़ा इसको अच्छा कंट्रोल करती हैं। लेकिन अगर कोई कभी खुदा ना खास्ता पहले कभी TBC भी हुई थी तो वो उसको रीएक्टिवेट कर सकता है और उससे फिर आपको मसला होता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ उनके साइड इफेक्ट मुख्तलिफ दवाइयाँ और उनके साइड इफेक्ट्स बताए हुए हैं साथ साथ। अच्छा, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, खाली सिर्फ जॉइंट्स को नहीं अटैक करता, स्किन, ब्लड वेसल्स, बाकी भी जगहों को अटैक करता है। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना बेटा, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं वो पूरी उसके अंदर घूम रही होती हैं बॉडी के अंदर, तो वो बाकी जगहों को भी, बाकी सिस्टम्स को भी इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट होती है और जॉइंट्स एनकाइलोसिस शुरू होता है। एनकाइलोसिस का मतलब होता है जॉइंट्स का स्टिफ हो जाना। अच्छा, सो ऑटोइम्यून कॉज है साइनोवाइटिस, प्रोग्रेसिव साइनोवाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, और इसमें आपको मॉर्फोलॉजी पे जॉइंट के अंदर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे, पेनिस फॉर्मेशन होती है, लिगामेंट्स का डैमेज होना होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट आपको नज़र आएंगे, वेस्कुलाइटिस साथ हुआ होगा। क्लिनिकली यानी साइन सिम्टम्स में पेन, मोशन की लिमिटेशन, स्टिफनेस, फटीग और रूमेटॉइड फैक्टर आपको नज़र आएगा, IgM, IgG दोनों, ठीक है। इसके अलावा यही आपको मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है कि कौन कौन से सेल्स आपको उस
ज्वाइंट यानी उस साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होता है। पेनिस का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट में ग्रोथ शुरू हो जाती है एक्स्ट्रा, अपनी तरफ से ज्वाइंट हील करने की कोशिश कर रहा होता है उसे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डायग्नोसिस में आपको एक तो क्लिनिकल फीचर्स, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी, इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स मिलेंगे, हैंड फाइंडिंग्स होंगी और सिस्टम दोनों साइड पे सिमेट्रिकल फाइंडिंग्स होंगी और रिमेटॉइड फैक्टर और एक्सरे फाइंडिंग्स, उन सब के साथ आप मिला के इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी आपको ऑलरेडी ऊपर स्लाइड में काफ़ी डिटेल में बता दिया, सो इसलिए आई एम गोइंग क्विकली थ्रू दी स्लाइड्स। अच्छा, ये इस तरह से आपका हाथ हो जाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, अल्नर डिविएशन हुई हुई है, बोन इरोजन हो रही है, सबलग्जेशन हो रही है जॉइंट्स की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ड्रग्स याद करने का एक तरीका चैम्प है, ये ड्रग्स सारी की सारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं, और डिमांड्स का आपको पता होगा, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, मेथोट्रेक्सेट आती है, सल्फासिलाज़ीन आती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनामाइड, गोल्ड, एज़ाथियोप्रिन, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये आप ऑलमोस्ट वहाँ पर पढ़ोगे अपनी फार्माकोलॉजी में भी। अच्छा, अगेन एक और आपको पिक्चर दिखाई हुई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हो रहा है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट, टी एक्स यहाँ पे आता है या डी एक्स यहाँ पे आता है, इसका मतलब डायग्नोसिस, टी एक्स का मतलब ट्रीटमेंट या आर एक्स का मतलब भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सो ये आपको ऑलरेडी सारी की सारी बताई हुई है। इवेंचुअली अगर ये कोई डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स काम ना करें तो फिर थेरेपी भी काम ना करे तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है, जॉइंट इतना इरोड हो सकता है कि आपको कोई आर्टिफिशियल जॉइंट लगाना पड़ सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस इसकी बाकी पूरे सिस्टम पे इफेक्ट होता है, हेमेटोलॉजिक एनीमिया हो जाता है, स्प्लीनोमेगैलिटी, कार्डिक अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, फिर इवेंचुअली पल्मोनरी, जैसे आपको फाइब्रोसिस ने बताया था, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, इडियोपैथिक तो नहीं है ये, इसमें आपको पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, प्लूरल इम्पैक्ट होती है, मस्कुलोस्केलेटल तो ऑब्वियसली आपको पता है। फिर डायग्नोसिस का आपको तरीका बता दिया है, क्लिनिकल सिम्टम्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, रिस्क फैक्टर्स आपको बताए हुए हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, होती कैसे है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले आपका जो जॉइंट की जो मेम्ब्रेन है और जो जॉइंट है उस जो फ्लूइड है वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू होता है, थिकेंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, फिर पेनिस बनना शुरू हुआ, कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई, और फिर फाइब्रस एनकाइलोसिस हो गया, फाइब्रस टिशू आया और वो स्कार टिशू बना और उसने जो है जॉइंट की को ख़राब करना शुरू कर दिया और उसको जो है ना जोड़ दिया, एक तरह से मूवमेंट सही नहीं रहती वहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस पे। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 16 साल की उम्र से पहले जुवेनाइल है और इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से थोड़े से बड़े जॉइंट्स, जो जॉइंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं उससे थोड़े से बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अगेन थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए जॉइंट्स का पता होना चाहिए, कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, नोड्स हैं प्रेजेंट हैं कि नहीं है, जॉइंट किस तरह का होता है, स्टिफनेस कब होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग के टाइम पे रेस्ट के बाद बुरी होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करने के बाद बुरी होती है। लैब में क्या नज़र आता है, रूमेटॉइड फैक्टर आ रहा है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें एंटीसीसीपी एंटीबॉडी पॉजिटिव है इसमें नहीं है, ईएसआरसी रिएक्टिव इसमें एलिवेटेड है इसमें नहीं है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से नॉर्मल एजिंग का भी, मतलब नॉर्मल एजिंग में ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर लोगों को हो जाता है, ठीक है, खासतौर पे अगर वेट कंट्रोल में ना हो। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस आ रहा है। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस में, सीरो नेगेटिव, अब ये सीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, सीरो नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको कोई एज सच एंटीबॉडी नहीं मिलती, ठीक है, सीरम रिलेटेड टेस्ट या जो सीरोलॉजी होती है उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन वगैरह का ब्लड रिजल्ट देखा जाता है कि वो आ रहा है या नहीं, लेकिन सीरो नेगेटिव का मतलब वो वाला आर्थराइटिस जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन लगेगा वो आर्थराइटिस, तो उसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक है, उसके अंदर एक जीन एसोसिएशन होती है व्हिच इज नोन एज HLA-B27, ये मर्दों में ज़्यादा होता है। फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या जेनेटिक यूरिनरी सिम्टम्स और इन्फेक्शन के बाद होता है, मतलब वो इन्फेक्शन होता है, बॉडी इस इन्फेक्शन के खिलाफ एक्ट करती है और रिएक्ट करती है तो वो जॉइंट्स पे जाके डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। उसके अंदर टाइप्स हैं, एक रिएटर सिंड्रोम है, रिएटर सिंड्रोम में
चूंकि ये जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसके अंदर यूरेथ्रा भी इन्वॉल्व होती है, कंजंक्टिवा आई की भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कुछ जेनिटल डिजीज में ये इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है। सो उसके अंदर रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, तो आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस का अगर मिसाल के तौर पर सिनेरियो दिया जाए तो उसके अंदर आपको ये एक कोई पहले इन्फेक्शन करवाया जाएगा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का या जीआई सिस्टम का, और साथ आपको ये वाले सिम्टम्स भी दिए जाएंगे यूरेथ्रल और कंजंक्टिवल इन्फ्लेमेशन वाले, और फिर आप पता और उसके साथ उसको अगर बोन के मसला हो रहा है जॉइंट्स में सॉरी मसला हो रहा है तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली रिएक्टिव आर्थराइटिस। और इसके अलावा एक और आर्थराइटिस है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ भी रिलेटेड है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। फिर इसके अलावा सोरायटिक आर्थराइटिस है जो एक स्किन डिजीज सोरायसिस के साथ इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर भी HLA-B27 पॉजिटिव है। सो ये जो तीन टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोरायटिक आर्थराइटिस, ये सारी सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस के टाइप्स हैं यहाँ पे, यानी कि इसमें आपको ब्लड में कोई एंटीबॉडीज वगैरह नजर नहीं आएंगी। लेट्स टॉक अबाउट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है बेटा? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग का मतलब होता है चीज़ों का मिल के जुड़ जाना, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की, स्पेशली बैकबोन के जॉइंट्स की, तो ये बैकबोन के जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है और फिर इवेंचुअली वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। पहले शुरू में इन्फ्लेमेशन हुई, फिर उसके बाद वो जो बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ होना शुरू हो गई। तो एक्सरे वगैरह पे आपको क्या नज़र आता है? शुरू में आपको जो कॉर्नर है वर्टिब्रल बॉडीज़ के वहाँ पर हीरोइंस नज़र आती हैं MRI पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वर्टिब्रल बॉडीज़ पूरी स्क्वेयर होती नज़र आती हैं और वो मिलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एक बैम्बू स्टिक नहीं जुड़ी होती लंबी सी, उस तरह से ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको डैगर स्पाइन नज़र आता है, मतलब इसमें होता है ये बेटा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कि इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है ना वो लिगामेंट्स के ख़िलाफ़ बनती हैं, तो जो लिगामेंट्स होते हैं ना इसमें पहले वो इन्फ्लेम होना शुरू होते हैं, फिर वो लिगामेंट्स स्लोली स्लोली बोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा बोन बन जाती है, और वो जो एक्स्ट्रा बोन बन जाती है तो फ्यूज़ हो जाती है, तो फिर उससे फिर मूवमेंट में मसला होता है। तो वर्टेब्रल कॉलम पूरी की पूरी जो है वो एक बैम्बू की तरह सख्त होती जा रही है। तो ये जो डैगर स्पाइन होती है या जो इसके बाद आपको इसके अंदर एक खंजर का निशान नज़र आ रहा था, वो जो इसके ऊपर लिगामेंट होता है ना, चूँकि वो बोनी बनता जा बनना शुरू हो जाता है, तो वो लिगामेंट हल्का सा एक डैगर की तरह का नज़र आता है एक्सरे MRI पर। फिर उसके बाद शोल्डर्स मेल्टिंग होती है, इसमें ह्यूमरस की एंटेरोलेटरल साइड जो है या लेटरल साइड ह्यूमरस की वो इरोड होना शुरू हो जाती है, इसे हैचेट्स डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको जो स्पॉन्डिलो डिस्काइटिस नज़र आता है, यानी कि जो वर्टिब्रा के बीच में वर्टिब्रल डिस्क होती हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो इन्फ्लेम्ड होनी शुरू हो जाती हैं, और उसको एंडरसन लियंस भी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह प्रोग्रेसिवली सिक्वेंशली मसले होना शुरू हो जाते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। मेन चीज़ जो है वो लिगामेंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना है, और लिगामेंट्स के खिलाफ इस तरह की एंटीबॉडीज बनना है कि वो इवेंचुअली बोन बनना शुरू हो जाती हैं। सो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन हुआ होगा कोई ना कोई, ठीक है। किस तरह का इन्फेक्शन हुआ होगा? ऑस्टियोमेलाइटिस वगैरह हुआ हो, वो गनोरियल डिजीज हुए हों, स्टेफलोकॉकस हो, स्ट्रेप्टोकॉकस हो, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो, ईकोलाई हो, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम है, सिकल सेल डिजीज़ वाले लोगों में साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से। फिर आपको इन्फ्लेमेशन के इन्फेक्शन के कार्डिनल साइंस नज़र आएंगे, वही चार साइंस, रेडनेस, स्वेलिंग, वॉर्म्थ वगैरह, फीवर होगा साथ में, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे जो कि इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाते हैं, और ESR होगा, ठीक है, हाई ESR। TB के साथ भी इन्फेक्शन आर्थराइटिस हो सकते हैं, लाइम डिजीज़ के साथ भी हो सकते हैं, लाइम डिजीज़ बुरेलिया बर्जोलफेरी करता है जो कि टिक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, टिक्स आर स्मॉल इंसेक्ट्स, और वायरल इन्फेक्शन आर्थराइटिस भी हो सकता है जिसके अंदर पार्वो वायरस, B19, रुबेला और हेपेटाइटिस सी, ये मुख्तलिफ वायरसेस के नाम हैं जो ये इन्फेक्शन आर्थराइटिस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस का आपको यहाँ बता दिया, सोरायटिक आर्थराइटिस जो है वो सोरायसिस की वजह से होता है। ये अक्सर जो है ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून होता है, सोरायटिक आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून है, ठीक है। रिएक्टिव आर्थराइटिस नॉट एज सच ऑटोइम्यून, बट पैथोलॉजी में कहीं ना कहीं उसका ऑटोइम्यून इम्पैक्ट भी होता है।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ज्वाइंट डिजीज के अंदर करने वाली चीज़ है वो गाउट है। ठीक है, गाउट क्या होता है? अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है किसी भी वजह से और ज्वाइंट में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, जिसे टोफस कहते हैं, जब वो डिपोजिशन जो होती है, या टोफाई उसकी प्लूरल है, एक्यूट या क्रॉनिक वो उसको गाउट कहते हैं। 10% लोगों को पॉपुलेशन में वैसे ही उनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ उसमें से 120% को गाउट हुआ होता है। ठीक है, तो हर बंदा आके कहता है जी मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा तो सबका ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मली भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सो लैब रिजल्ट्स अलोन हैव नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, अच्छा किसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है गाउट का? मेल का। मेल से क्या बनता है? mid-30s का बंदा हो, अल्कोहल पीता हो, हाई प्यूरिन डाइट लेता हो, काफ़ी ज़्यादा गोश्त वोश्त खाता हो, या एंड अमीनो एसिड्स प्रोटीन डाइट उसकी ज़्यादा हो, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो, वेट बहुत ज़्यादा हो, तो फिर गाउट अटैक हो सकता है। गाउट किस किस तरह का होता है? प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी गाउट में आपको एंजाइम डिफेक्ट का पता नहीं होता, ठीक है, किसी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड की। ठीक है, कुछ लोगों में नॉर्मल एक्सक्रीशन हो रही थी, कुछ लोगों में एक्सक्रीशन इंक्रीज हुई होती है, या अंडर एक्सक्रीशन हो रही है यूरिक एसिड की नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ, तब भी यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। नॉन एंजाइम डिफेक्ट्स की वजह से, जैसे कि HGPRD डेफिशिएंसी होती है जो कि लीच निहान सिंड्रोम करती है, हाइपोक्सेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता था, जो आपने अपनी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो उसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्राइमरी गाउट करता है। सेकेंडरी गाउट कुछ लोगों में होता है, और सेकेंडरी गाउट की रीज़न होती है इंक्रीज न्यूक्लिक एसिड टर्न ओवर, किसी वजह से ल्यूकीमिया की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है वो स्लोली स्लोली ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। रीनल रीनल बीमारी हो जिसकी वजह से यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो रहा सही तरह से, प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है, तो उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। फिर मेटाबॉलिज्म के एरर्स, जैसे कि HGPRT की कम्प्लीट डेफिशिएंसी, पार्शल डेफिशिएंसी प्राइमरी गाउट करती, कम्प्लीट डेफिशिएंसी लीच निहान सिंड्रोम में होती है, और उसकी वजह से फिर यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है, उसकी वजह से भी फिर गाउट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया गाउट करता है। एज आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट होती है, कितनी देर तक यूरिसीमिया हाइपर यूरिक एसिड ब्लड यूरिक एसिड ज़्यादा रहा है ब्लड में, वो फिर गाउट जो है वो 20 to 30 years ऑफ हाइपर यूरिसीमिया से पहले नहीं होता, मतलब 20-30 साल तक यूरिक एसिड ज़्यादा रहा हो तो फिर गाउट का अटैक होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जिन जीन्स हो और उसके अंदर फिर एंजाइम डेफिशिएंसी जो हमेशा जीन्स के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है, फिर ऑब्वियसली अल्कोहल, ओबेसिटी, कुछ ड्रग्स, थायराइड वगैरह ये भी डाउट करवा सकती हैं, लेड टॉक्सिसिटी, आप किसी वजह से लेड आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। तो ज़्यादातर ये टो में होता है, इसको यहाँ पर जो डिपोजिशन हो रही होती है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की, उसको टोफस कहते हैं। अच्छा, एक तो टोफेशियस आर्थराइटिस मतलब टोफस डेवलप हो जाता है जॉइंट पे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और गाउटी नेफ्रोपैथी यानी कि उसकी वजह से किडनी में भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपको टोफस के मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स कैसे यहाँ पे जमा हो रहे हैं, और फिर इवेंचुअली किडनी पे भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, गाउट एथरोस्क्लेरोसिस और हाइपर टेंशन के साथ भी एसोसिएटेड है, ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा हो उनका, और जिनके अंदर वैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपिड वगैरह, कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो रहा है आर्टरीज में, उनके भी गाउट होने के चांसेस होते हैं। ड्रग्स जो सी दी जाती हैं उनका निमोनिका कैप्स, उसके अंदर कॉल्चिसिन, एलोप्यूरिनोल, प्रोबेनिसिड, सल्फिन, पायरजोन जो है वो होती हैं, इसको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होती है। अच्छा, सूडो गाउट क्या होता है? सूडो गाउट में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं। सूडो गाउट को कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस भी कहते हैं, या CPPD भी कहते हैं, या कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज भी कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है, उसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं। ये इसकी एडियोपैथिक कॉजेज होते हैं, हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कॉज भी हो सकते हैं। सेकेंडरी कॉज में हाइपर पैराथायरायडिज्म, हीमोक्रोमेटोसिस, जो आयरन की डिपोजिशन है, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोथायरायडिज्म और डायबिटीज़ वगैरह, जिनकी वजह से कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो और वो जाके जमा होना शुरू हो जाए कहीं पे, उसकी वजह से सूडो गाउट हो जाता है। ठीक है, तो गाउट और सूडो गाउट में डिफरेंस क्या है? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे और लैब्स में नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट होते हैं और नीडल शेप नज़र आते हैं, नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं। जो सूडो गाउट के क्रिस्टल्स होते हैं
वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं और वो रोम्बॉइड शेप्ड होते हैं, ये रोम्बॉइड शेप बनी हुई है, बड़े जॉइंट्स को इफेक्ट करता है जैसे कि नी जॉइंट्स वगैरह, सूडो गाउट। जो गाउट है वो छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है जैसे कि टोज वगैरह को, ठीक है। सबसे कॉमन साइट जो है वो आपको फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट पे नजर आती है, पुटाग्रा जैसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो सूडो गाउट है उसके अंदर एक्सरे के अंदर आपको पॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस मतलब कार्टिलेज के पास कैल्शियम डिपोजिशन नजर आएगी, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, एक और आपको स्लाइड में भी डिफरेंस दिखाया हुआ है। अच्छा, अब ट्यूमर्स की बात कर लेते हैं, इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं ट्यूमर्स की, सिर्फ आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ट्यूमर्स हैं जो जॉइंट के हो सकते हैं और उनके क्या क्या नाम है, और वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। बिनाइन ट्यूमर्स गैंग्लियन ट्यूमर है, साइनोवियल सिस्ट की तरह नजर आता है। फिर जॉइंट सेल ट्यूमर है जो टेंडन शीथ में बन जाता है, उसको पिगमेंटेड विलो नोडुलर साइनोवाइटिस भी कहते हैं, ये बिनाइन होते हैं, ये मसला नहीं करते ज़्यादा। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसको साइनोवियल सार्कोमा कहते हैं, ये आपको गैंग्लियन का जो सिस्ट है वो नज़र आ रही है इसके अंदर, ये सिस्ट बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जॉइंट सेल ट्यूमर का आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर, और ये साइनोवियल सार्कोमा दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स के ऊपर आ जाते हैं, जॉइंट के ट्यूमर्स की बात हो गई। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स में फैटी डिपोजिशन होती है, लाइपोमा वगैरह बन जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रोहिस्टोसिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स के ट्यूमर होते हैं, स्मूथ मसल ट्यूमर्स होते हैं, वेस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं जो वेसल्स के होते हैं। इसके बारे में आपसे ऑलरेडी वेसल्स वाले लेक्चर में बात हो चुकी भी है, लेकिन एक हल्का सा दोबारा से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्व का ट्यूमर होता है, फिर कुछ और ट्यूमर होते हैं जिनका एग्जैक्ट पता नहीं होता कि वो जॉइंट के हैं, जॉइंट के इर्द गिर्द की चीज़ों को भी इन्वॉल्व करें, जिसके अंदर एलियोल एल्वियोलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा, एपिथेलियॉइड सार्कोमा, साइनोवियल सार्कोमा आ जाते हैं। अच्छा, कॉज क्या हो सकता है इन ट्यूमर्स का, ये जो इर्द गिर्द जॉइंट और इसके इर्द गिर्द के सॉफ्ट टिश्यू के ट्यूमर्स हैं? बेटा कॉज अननोन होता है, अक्सर पता नहीं होता, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल बर्न अगर हो जाए उसकी वजह से भी, स्किन और इसके इर्द गिर्द टिश्यूज इस तरह से डैमेज होते हैं कि वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर जो डिवीजन होती है सेल डिवीजन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर कैंसर हो जाता है। थर्मल बर्न की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी, कुछ चोट चोट लगी है, वायरस कुछ खास तौर पे जैसे कैपोसी सार्कोमा है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फिर कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर ये कुछ बीमारियों का हिस्सा होते हैं, और ट्रांसलोकेशन क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं जिनकी वजह से ये हो जाते हैं। अच्छा, फैट ट्यूमर के क्या क्या नाम है? लाइपोमा, नॉर्मल फैट आपको ऐसे नज़र आ रहा है, जब ज़्यादा हो गया एनकैप्सुलेटेड लाइपोमा है। लाइपोसार्कोमा जो है वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। लाइपोमा जो है बिनाइन होता है, लाइपोसार्कोमा जो है वो आपको रेट्रोपेरिटोनियल यानी के पेरिटोनियम से पीछे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास मिल सकता है, इन एब्डोमिन अगर हम बात करें तो। फाइब्रस टिश्यू कौन कौन से होते हैं? नोडुलर फेसाइटिस, ठीक है, वो जो फेशा होता है, डीप फेशा, सुपरफिशियल फेशा जो कि आपने अपना पढ़ा होगा उसके अंदर, एनाटमी के अंदर, उसके अंदर नोडुलर ग्रोथ बन जाती हैं, ठीक है। फिर फाइब्रोमेटोसिस होते हैं जो कि फाइब्रस टिश्यू के अंदर बनना शुरू होते हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के ये ट्यूमर्स होते हैं, जो प्लांटर यानी कि जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस वगैरह होता है उस एरिया में, पामर एपोन्यूरोसिस वगैरह के एरिया में, और पिनाइल स्किन के ऊपर भी इस तरह के ये ट्यूमर्स बन जाते हैं, दीज आर जनरली बिनाइन। फाइब्रोसार्कोमा आर मोस्टली मेलेग्नेंट, तो फाइब्रोसार्कोमा जब सार्कोमा जहाँ पे आ जाए अक्सर वो मेलेग्नेंट होगा। फाइब्रोहिस्टोसिटिक फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस, मेलेग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, यानी कि ये मैक्रोफेजेस और फाइब्रस दोनों के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल ट्यूमर के नाम है रैबडोमायोमा और रैबडोमायोसार्कोमा। रैबडोमायोमा बिनाइन है, रैबडोमायोसार्कोमा मेलेग्नेंट है। स्मूथ मसल का जो ट्यूमर होता है उसका नाम लियोमायोमा, लियोमायोसार्कोमा होते हैं, लियोमायोमा आर बिनाइन, ठीक है। उसके अलावा वेस्कुलर ट्यूमर्स के नाम तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, हेमेंजियोएंडोथेलियोमा, हेमेंजियोपैरिसाइटोमा, एंजियोसार्कोमा, यह आपने अपने वेसल वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जॉइंट के इर्द गिर्द भी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं तो उनमें भी जो ट्यूमर हो रहे हैं वो आपको बताऊँ। पेरिफेरल नर्व का जो ट्यूमर होता है, ग्रैनुलर सेल ट्यूमर होता है, न्यूरोफाइब्रोमा होता है और श्वानोमा होता है, ठीक है। श्वान सेल का ट्यूमर, न्यूरोफाइब्रोमा नर्व्स का ट्यूमर। फिर
इसके अलावा जो मिक्स्ड है, साइनोवियल सार्कोमा, एल्वियोलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा, एपिथेलियल सार्कोमा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि किस जगह के ट्यूमर का क्या नाम है। मिसाल के तौर पर फैट के ट्यूमर किस तरह के नाम होते हैं उनके, कौन से मिनाइन है, कौन से मेलेग्नेंट है, कॉजेज क्या हो सकते हैं सारे ट्यूमर्स के जनरली, फिर फाइब्रस टिश्यू के ट्यूमर्स के नाम क्या हैं, फिर फाइब्रोहिस्टियोसिटिक ट्यूमर्स के नाम क्या है, स्केलेटल मसल के ट्यूमर्स के नाम क्या है, स्मूथ मसल के ट्यूमर्स के नाम क्या है, वेस्कुलर ट्यूमर्स, नर्व ट्यूमर्स के नाम क्या है। अच्छा, फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, फ्रैक्चर्स में तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहले जब फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले वहाँ पर ब्लड क्लॉट बड़ा सारा बन जाता है, उसे हिमाटोमा कहते हैं। ये मिनट्स टू डेज लगाता है और वहाँ पर कई, या तो कुछ मिनट्स के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है या कई दिन पड़ा रहता है। ठीक है, फिर ये आगे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है। फिर वो सॉफ्ट कैलस बनाते हैं, यानी मतलब हल्का सा सख्त स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इवेंचुअली बोन जो है वो इवेंचुअली जो बोन है वो सख्त हो जाती है। ठीक है, एक वीक के अंदर, क्योंकि वो इवेंचुअली बोन ही हील होना शुरू हो जाती है। फिर हार्ड कैलस बनता है जो कि इवेंचुअली जो बोन होती है बेसिकली ऑस्टियो साइट्स जिसमें बनना शुरू होते हैं उसमें काफ़ी हफ्ते लगते हैं। तो इस तरह से है फ्रैक्चर जो है तीन फेजेस में बन के हील होते हैं। मसले भी हो सकते हैं फ्रैक्चर्स की वजह से, क्या मसले हो सकते हैं, सूडो आर्थरोसिस हो, मतलब पूरी तरह से बोन बनी ना, यूनियन सही ना हो, गैप रह जाए, या वहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, खासतौर पर अगर फ्रैक्चर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंक है जिसे ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, तो उसकी वजह से फिर ऑस्टियोमेलाइटिस वगैरह हो सकते हैं और मसले हो सकते हैं। ठीक है, हिप फ्रैक्चर की अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी बात की जाए तो इंक्रीजिंग एज और फीमेल के अंदर और ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री वालों के अंदर जिनके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है वो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उसके अंदर जो बार बार गिरते हों खासतौर पर ट्रांजिंग इस्कीमिक अटैक या स्ट्रोक की वजह से गिर जाए, एनीमिया की वजह से या कुछ दवाइयों या कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से, तो उनको जो है वो हिप फ्रैक्चर हो जाता है। उसके अंदर सर्जरी करके इंटरनली फिक्सेट किया जाता है और पेन कंट्रोल वगैरह और बाकी सारी की सारी चीज़ें उसकी मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट ऑप केयर होती है, फिर अगेन थोड़ी बहुत उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह की जाती है, पेन कंट्रोल की जाती है, न्यूट्रिशन उसकी देखी जाती है, और कॉम्प्लिकेशन से ज़रा ध्यान से, क्योंकि इमोबिलाइज होता है बंदा काफ़ी देर के लिए तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से बचाना होता है, और इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जो कि तकरीबन सारी सर्जरीज की बात होती हैं। दिस इज समथिंग जो कि आपको सर्जरी में पढ़ने को मिलेंगी अगर आप सर्जरी पढ़ोगे, सो इसलिए इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है,